इस वीडियो में हम क्वेश्चनेयर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर की टाइप्स कितनी होती हैं और एक अच्छे क्वेश्चनेयर की क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्वालिटीज होती हैं, इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे इस वीडियो में। डेटा किसी भी रिसर्च का एक इंटेग्रल कॉम्पोनेंट होता है, बिकॉज अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते और उसी की बेस पे आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो डेटा किसी भी रिसर्च का इंटेग्रल कॉम्पोनेंट होता है और रिसर्च में दो तरह का डेटा यूज होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज करता है अपनी रिसर्च में। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए सेपरेट टूल्स यूज किए जाते हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए सेपरेट टूल्स यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चनेयर प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक टूल है जिसके थ्रू हम रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चनेयर? अ क्वेश्चनेयर इज अ रिसर्च टूल हैविंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चनेयर डेटा कलेक्शन का एक टूल है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू रिस्पोंडेंट से रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चनेयर के अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ग्रुप कर दें, लिस्ट डाउन कर देना, तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। और ये जो क्वेश्चनेयर होता है ना, ये भेजा जाता है रिस्पोंडेंट्स को और इसके थ्रू रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर इज अबाउट ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चनेयर के थ्रू हम रिस्पोंडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके ओपिनियंस को जांचते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी फीडबैक, उनके एटीट्यूड और इनकी प्रेफरेंसेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की फीडबैक लेती है अपने कस्टमर्स से कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है, प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम कैसा है या कंपनी की आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी हैं। तो अब कंपनी को फीडबैक चाहिए अपने कस्टमर्स से, इसके लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाती है और वो क्वेश्चंस देती है कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स उस क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं और कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को रेट करते हैं, ठीक है, कि कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो गुड हैं, बेटर हैं या उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कस्टमर्स अपनी फीडबैक देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं। तो क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर डेटा कलेक्शन का एक टूल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू रिस्पोंडेंट से रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हम क्वेश्चनेयर की करैक्टरिस्टिक्स या इसकी क्वालिटीज को स्टडी करते हैं कि एक अच्छे क्वेश्चनेयर में कौन सी करैक्टरिस्टिक्स या कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वेश्चनेयर की पहली करैक्टरिस्टिक है, क्वेश्चंस शुड बी रिलेटेड, स्पेसिफिक एंड कंसाइज। अब क्वेश्चनेयर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको टू द पॉइंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिस्पोंडेंट से, तो क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिस्पोंडेंट से जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में डेटा चाहिए या मोटिवेशन के बारे में डेटा चाहिए, तो क्वेश्चनेयर के अंदर जो क्वेश्चंस हो ना, वो जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के ही रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर क्वेश्चंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के रिलेटेड हो, सेल्फ एफिकेसी के रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक अच्छे क्वेश्चनेयर की यही क्वालिटी है कि वो टू द पॉइंट हो, रिलेटेड हो, स्पेसिफिक हो और कंसाइज हो। क्वेश्चनेयर की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चंस शुड बी इन सीक्वेंस और इन लॉजिकल मैनर। कि क्वेश्चनेयर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको एक सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ पे सीक्वेंस और लॉजिकल मैनर का मतलब ये है कि एक क्वेश्चनेयर के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस में एक सीक्वेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 10 क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना चाहते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन के ही क्वेश्चन हो। ऐसा ना हो कि पहला क्वेश्चन सेटिस्फैक्शन के बारे में है और अगला मोटिवेशन के बारे में है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेटिस्फैक्शन के बारे में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, क्वेश्चंस के अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड। कि क्वेश्चनेयर के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चनेयर है ना, उसके अंदर एक लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की। उससे क्या होगा कि वो आपका जो रिस्पोंडेंट होगा ना, वो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगा। क्वेश्चनेयर की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, डिस्क्रिमिनेटरी, एम्बेरसिंग क्वेश्चंस शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी केस। अब जो आपका क्वेश्चनेयर है ना, इसके अंदर चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें डिस्क्रिमिनेटरी और एम्बेरसिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो कि रिस्पोंडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन को डेवलप करें या उनके लिए एम्बेरसिंग हो, ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी सूरत क्वेश्चनेयर में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनेयर की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज यूज्ड इन क्वेश्चनेयर शुड बी सिंपल, डू नॉट यूज टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और एब्रीवेशंस। अब क्वेश्चनेयर के अंदर जो लैंग्वेज आपने यूज करनी है ना, वो सिंपल हो,
ताकि हर एक रिस्पोंडेंट उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, तो अगर आप उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे, एब्रीविएशंस को यूज करेंगे, तो हो सकता है कि रिस्पोंडेंट उसको समझ ना पाए और आपको वो सही से आंसर ना दे पाए। तो इसीलिए जरूरी होता है कि क्वेश्चनेयर के अंदर जो क्वेश्चंस हो ना, उसमें जो लैंग्वेज हो ना वो सिंपल हो, ताकि हर एक रिस्पोंडेंट उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसका रिस्पॉन्स दे सके। क्वेश्चनेयर की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, कैलकुलेशन क्वेश्चंस शुड नॉट बी यूज्ड। अब जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है, तो अगर आपके क्वेश्चनेयर के अंदर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे ना, तो इसको रिस्पोंडेंट स्किप कर देंगे, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो क्वेश्चनेयर के अंदर कभी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि आपका जो क्वेश्चनेयर है ना, उसके अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो यूनिफॉर्म नेचर के हों। यूनिफॉर्म नेचर का मतलब यह है कि आपने एक ही तरह के क्वेश्चंस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5-पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज करना चाह रहे हैं ना, तो पूरा क्वेश्चनेयर 5-पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन के अंदर 5-पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज किया गया है और अगले क्वेश्चन के अंदर आप 7-पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज करें। तो क्वेश्चनेयर के अंदर यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक जैसा स्ट्रक्चर ही फॉलो करना चाहिए। अब हम क्वेश्चनेयर की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। क्वेश्चनेयर की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। यहां पे एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होता है कि हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन पूछना है और किस सीक्वेंस में पूछना है और हमें रिस्पोंडेंट से किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स and consist of a set of standardized questions with predetermined framework that sets the precise language and sequence of questions. अब जो structured questionnaire होता है ना, इसके अंदर चार चीजें बहुत important होती है कि इसमें standardized questions होते हैं, एक predetermined framework को हम use करते हैं, precise language होती है और questions में एक sequence होता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं structured questionnaire कि हम एक structure को follow करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहां पे रिस्पोंडेंट के पास फ्रीडम नहीं होती कि वो अपनी मर्जी का कोई भी आंसर दे सके, बल्कि यहां पे हम रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको ऑप्शन दे देते हैं कि वो इन्हीं ऑप्शन में से ही किसी एक को सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें येस या नो होगा, एग्री या डिसएग्री हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और इसी तरह स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के 4 डिफरेंट आंसर्स हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक आंसर को सिलेक्ट करना है रिस्पोंडेंट ने, तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन कि यहां पे रिस्पोंडेंट के पास फ्रीडम नहीं होता कि वो अपनी मर्जी का कोई आंसर दे सके, बल्कि उसे जो गिवन सेट ऑफ आंसर्स होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर से क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। द क्वेश्चनेयर इन दिस केस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड सम ब्रांचिंग क्वेश्चंस बट नथिंग दैट लिमिट्स द रिस्पांस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर हम पहले से प्लानिंग नहीं करते कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और किस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होता है कि यहां पे ब्रांचिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपने रिस्पोंडेंट से एक क्वेश्चन पूछा, उसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो उसी से ही आपने एक और क्वेश्चन निकाल लिया। जब रिस्पोंडेंट ने उसी का आंसर दिया तो आपने उससे फिर तीसरा क्वेश्चन निकाल लिया। तो यहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन किसी ऑर्डर में नहीं होते, हम पहले से प्लानिंग नहीं करते। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब यह है कि यहां पे रिस्पोंडेंट के पास फुल फ्रीडम होता है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी रिस्पांस दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय से ये पूछते हैं कि आपका कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो यहां पे रिस्पोंडेंट को फुल फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी का जो चाहे आंसर दे सकता है, वो अपनी मर्जी का जो चाहे रिस्पांस दे सकता है। और इसी तरह दो रिस्पोंडेंट्स का जो रिस्पांस होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज करते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के थ्रू क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के थ्रू हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस यहां पे हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर से हम क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनेयर की डिफरेंट टाइप्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।